डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 एसएसटी सिविक्स चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7 एसएसटी सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया संचार माध्यमों को समझना के बारे में स्टडी करेंगे। एज यू नो डैट व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, व्हिच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजली रीड, डू यू Trust the internet and what have you found most useful about it? Do you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of कम्युनिकेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संचार के साधन हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर आपका मन पसंद जो प्रोग्राम क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दिस वर्ड इज मीडिया। ये शब्द क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर के माध्यम से हम मीडिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइव्स। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग that or have learned from the media this week? Everything raising from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम डैट You see on the TV can be called media। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम and it describes the various ways through which we communicated in society, because media refers to all means of communications, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media।
टीवी रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया, जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो मीडिया अंग्रेजी भाषा में मीडियम शब्द का बहुवचन है और उसका तात्पर्य उन सभी तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम को समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और तकनीकी। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया, बट केवल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फोनोमिना। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। द टेक्नोलॉजी डैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष से भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। वी आल्सो टेंड to discuss newspapers and the magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. Why do you think newspapers are called print media? अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपी हुई माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में जो न्यूज़पेपर्स से समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है, उसको प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज।
द फॉलोइंग फोटोग्राफ विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज ओवर द इयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। तो आगे बढ़ने से पर आपको ये पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए हुए चित्रों के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। इट आल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। इट आल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल टूडे इट इज द क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट टेलीविजन। तकनीकी और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। फॉर एग्जाम्पल टूडे इज द क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक यू आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। उदाहरण के तौर पर आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन हैज एनेबल अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्स एज मेंबर्स ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन इमेज ट्रेवल ह्यू डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन द टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। वी कैन नाउ वी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ द स्टोन दैट हैज हिट द कोस्ट ऑफ द फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट। टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर
जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मीडिया एंड मनी, संचार माध्यम और धन, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर्स सिट्स। इट हैज लाइट्स, कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशंस, सैटेलाइट्स, etc. ऑल ऑफ विच कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो विभिन्न तकनीकी अत्यंत खर्चीली है। टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए आप, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, जहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट्स आदि हैं। तो इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है बहुत अधिक महंगे मिलते हैं। इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज द नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टूगेदर। दिस ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर इन द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यू कीप चेंजिंग एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। Due to these cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of a big business houses. समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रसारण में सहयोग करते हैं, उनमें से लोग सम्मिलित होते हैं जो कैमरा व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने कभी पढ़ा कि संचार, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत ध्यान धन व्यय किया जाता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतया अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं।